Oh my gosh! Good morning, sir. Sir! How are you, sir? I am fine, sir. सर आपने बताया नहीं सर आप आ रहे हैं सर इतना चल चल के आप थक गए होंगे सर आप कुछ जूस वूस लेंगे गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं सर आप मैडम बस सर अभी आती ही होंगी आप तब तक कुछ दूध नाश्ता कीजिए दूध बेटर रहेगा सर सर आप बस दूध पीजिए सर मैं बिस्किट लेकर पहुंचता हूं सर खुद सर ओके सर सिर्फ मैडम की वजह से सहन कर रहा हूं मैं इस जेंटलमैन को वरना कब का क्या कब का क्या करते हैं वरना कब का गुलगुले जी मैडम आपका भरता बना देती ए, 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 ए। बिल्लू मुझे क्या लगता है यार मैं मैडम से डरता हूँ वो भी यार तू मुझे इतने टाइम से जानता है तुझे लगता है मैं मैडम से डरता हूँ मैडम से यार तुझे पता नहीं है क्या मैडम एक महिला है तो इसलिए मैं बस सम्मान करता हूँ मैडम का क्योंकि जैसे मैं अपनी बीवी अपनी सास अपनी पड़ोसों का सम्मान करता हूँ इसलिए बस उसी तरीके से मैडम का सम्मान करता हूँ बस ये आप एक्स्ट्रा बोल गए गुलगुले जी अगर मैडम ने सुन लिया ना तो सुन लिया तो क्या सुन लिया तो क्या मैं डरता हूँ क्या यार बिल्लू सुनाने के लिए तो बोल रहा हूँ बिल्लू तू चल सोच ले कि मैडम यहाँ मेरे पीछे खड़ी है बस सोच ले फिर भी मैं यही बात इसी तरीके से ऐसे ही बोलूंगा अरे खड़ी है तो खड़ी है मैं खुद घूम कर उनके सामने उनके चेहरे पर देखकर यही बात बोलिए माफी एक्सक्यूज मी Excuse me, मैडम मैं हूँ पेंशन मुझको है टेंशन किस बात का टेंशन है यार क्या हो गया पड़ोसन आंटी ने चाय पिलाने से मना कर दिया या पापड़ खिलाने से बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सीख जरा तमीज सीख चल हाँ अंकल जी तुम बोलो मैडम जी मैं बहुत परेशान हूँ पप्पू आया रात में गुड्डू गया बारात में तो इनमें से किस बात से आप ज्यादा परेशान हैं पप्पू के रात में आने से या गुड्डू के बारात में जाने से अरे तुम बोलो अंकल जी कौन हो और यो कौन हो रही छोरी साथ में खड़ी हो रही मैडम जी मैं इनकी बेटी हूँ करीना करम फूट गए करीना के पूदा इज द करीना इज द मैं हूँ सलमान जिसपे मरती है हसीना इज द हाँ क्यों नहीं हड्डियां चरमरा रही हैं फेफड़े जो है इस्तीफा देने के लिए व्याकुल हो रहे हैं किडनियां हड़ताल चिल्ला रही हैं हार्ट जो है हृदय वो आईसीयू के दरवाजे पे दस्तक दे रहा कि प्लीज मैं कम इन लेकिन सलमान से कम नहीं हो रहा यो लौंडा 180 साल का दबंग थ्री well. बेल में ही कूद मार तू अरे अंकल तुम तो मुंह खोलो इससे कुछ बोलो हाँ मैडम बात दरअसल ये है कि हमने अपनी बिटिया की शादी जो एक लड़के से किया अब समस्या ये है कि वो जो लड़का है और जो उसके माँ बाप है यानी कि जो हमारी बिटिया की जो है पति और उनके सास ससुर मैडम इतने फिल्मी हैं कि उन्होंने हमारी बिटिया का जीना हराम कर दिया अरे उनका दुश्वार कर दिया पप्पू आया रात में गुड्डू गया बारात में हाँ मैडम अरे क्या बताऊँ मैं आपको मैडम वो हर बात पे फिल्मी डायलॉग मारते हैं अरे इतना फिल्मीपना उनके अंदर बस गया है कि करप
फूट के करीना के। मैडम अब मेरा तो मन करता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। हाँ अंकल जी ऐसा है, आप टेंशन मत लो, निश्चिंत होके घर जाके जो है बढ़िया निद्रा के मजे लो। हम अपनी टीम भेजेंगे, जाके ससुराल में देखेगी कि के फिल्मी पना चल रहा है और कितना चल रहा है और कितने क्रैक लेवल पे हैं ससुराल वाले, हैं? फिर उस हिसाब से देंगे हम दवाई, डोंट वरी। अरे बहू देखो जरा कौन आया है हम गरीबों की कुटिया में। आ देखो बहू। नमस्कार अंकल, हम सरकारी विभाग की तरफ से आए हैं और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि सरकार ने ये निश्चय किया है कि जो भी लोग 60 साल के ऊपर है उन्हें एक एक हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, वही हम देने आए हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप 60 साल से ज्यादा लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, भगवान ने बड़ी कमाल की नजरें दी आपको। जी हाँ मैं 60 का हूँ। आइए आइए अंदर आइए आइए। हम आपका कालीन गंदा नहीं होने देंगे, अभी बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटी से पूरी करना है, उसके बाद आपको 1000 रुपए सरकार की तरफ से दे के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके के नेम है उज्जैन में ट्रैफिक जेम है। होते होते दादाजी ऐसा है कि मेरा नाम है सिनेमा स्कोप श्रीवास्तव। आप हमको ये भी जरा बता सकते कि आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? देखिए ये है मेरी बहू, इसके अलावा मेरा एक बेटा है डीवीडी श्रीवास्तव, और मेरी एक धर्म पत्नी भी है बालकनी श्रीवास्तवा। माँ माँ मुझे आशीर्वाद दो। ओए माँ आज मेरा नौकरी का पहला दिन है, माँ मेरे पास माँ है। जा बेटा जा, ऊपर वाला तुझे लंबी उम्र दे, खूब कामयाबी दे, तू जैसा बेटा हर माँ अपनी कोख से पैदा करे। अरे हे बालकनी, ये देखो कौन आया है। अरे ये सरकारी लोग हैं, ये हमें 1000 रुपए का वजीफा देने आए हैं। एक मिनट, तुमको अभी तक नौकरी मिला नहीं है? अरे काय की नौकरी, मेरा डीवीडी का धंधा है, बिजनेस करता हूँ मैं। लेकिन तुमने तो अभी अभी कहा माँ मुझे आशीर्वाद दो, मुझे नौकरी मिल गई है। ए दादाजी क्या है कि हमारा परिवार जो है ये सिनेमा प्रेमी परिवार है, मतलब समझ लीजिए कि हम बने सिनेमा बना एक दूजे के लिए, इसलिए हमारे रग रग में सिनेमा घुस गया है। क्या है करीना के यहाँ भेजा था तुम लोगों को, हैं? क्या खबर लाए हो, दौड़ते हुए आए हो बिल्कुल ही। Well, Mom, हम भूल जाना चाहते हैं कि हम उन लोगों से थे कभी मिले इसदा, कल रात मैंने अपने 5 फटे पजामे सिले इसदा। मैडम मैडम वो करीना सच कह रही थी मैडम। मैडम उसके उसका पति उसके सास ससुर सब इतने फिल्मी है कि उनसे मिलके मैडम ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी इंसान से नहीं मिले बल्कि किसी फिल्मी किरदार से मिलके आ रहे हैं। मैडम बहुत फिल्मी है, बहुत फिल्मी। या मॉम, उन्होंने डायलॉग सुना सुना के कर दिया हमें बाबला इज्दा, आई लाइक जूही चावला इज्दा। अच्छा इसका मतलब छोरी काफी तकलीफ में। एक काम करो जरा सबको बुलवाओ ठाणे, सास ससुर और पति ने उसके, मैं भी तो देखूं कौन सी पिक्चर बना रहे हैं सबके सब। Well, Mom, she is the ससुर is the and he is the सास is the, जो दिखने में नहीं है कुछ खास is the। तू आंटी को ताड़ते हुए लाया है अभी तक? चिपस्टर। हाँ भाई तुम हो करीना के इनलॉज। जी देखिए मैडम, मेरा नाम है सिनेमा स्कोप श्रीवास्तव और ये है मेरी बीवी बालकनी श्रीवास्तव, एक बेटा भी है, है? डीवीडी बस आता ही होगा।
देखो देखो वो आ गया, वो आ गया। माँ तेरा बेटा आ गया माँ। चलो चल। यो लौंडा है तुम्हारा, बिल्कुल फालतू लौंडा है एक तो, और ऊपर से फालतू फैमिली तुम्हारी। क्या फिल्मी बना मचा रखा है तुमने है? तुम्हारे इस फिल्मी चक्कर में तुम्हारी बहू पिसरी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये मैडम हमारा कसूर क्या है ये तो पहले बता दीजिए। ये जो इतनी देर से तमाशा लगा है ये कम कसूर है? मेरा दिमाग दर्द की वजह से फटने लगा है, भेजा अपनी जगह से हटने लगा है, क्या होता है क्या कहीं ऐसा कुछ? और क्या, देखो यार तुम अपना ये जो फिल्मी भूत है ना वो जरा उतार लो, वरना एक बार हमारी मैडम भूत उतारने पे आ गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैतरी ना। मेरा मतलब है पीटू प्रियंका, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ रहे हो तुम? Well, अब ये फिल्मी डायलॉग जाओ भूल इसदा, अपनी गलती करो कबूल इसदा है। अरे कैसी गलती दद्दू? हाँ अरे हम फिल्मी टाइप लोग हैं और ये बात हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भैया हम फिल्मी टाइप लोग हैं। और हम ये भी जानते हैं मैडम कि इस बात के लिए दुनिया का कोई सा कानून कोई सी अदालत हमें सजा ना दे सकती। देखो कानून और अदालत तो बात दीगर है, वो बात बाद में आएगी, फिलहाल मैं प्यार से समझा रही हूँ, इज्जत से समझ लो वरना डंडे से समझाऊंगी और हड्डियां तोड़वा के समझोगे। वार्निंग दे रही हूँ जनहित में जारी, कॉशियसली हो जाओ अब और इब निकलो। सिंगाड़ा ले लो सिंगाड़ा, गरम सिंगाड़ा ले लो सिंगाड़ा, बोलो भाजी सिंगाड़ा सिंगाड़ा ले लो सिंगाड़ा, सिंगाड़ा लेंगे सिंगाड़ा, गरम गरम सिंगाड़ा, सिंगाड़ा ले लो सिंगाड़ा बाबूजी सिंगाड़ा, सिंगाड़ा ले लो सिंगाड़ा, सिंगाड़ा बाबू गरम सिंगाड़ा सिंगाड़ा। अरे मैडम कहाँ है, मैडम कहाँ है, मैडम कहाँ है? पप्पू आया रात में, गुड्डू गया बारात में। क्या हो गया अंकल, आप इतने हड़बड़ाए घड़बड़ाए से क्यों है? अरे भतीजे हड़बड़ाऊ नहीं तो क्या करूँ? अरे जो मन में आता है वो कीजिए, वैसे उम्र के हिसाब से आप भजन कीजिए और टोन के हिसाब से भोजन कीजिए। अरे यार भोजन भजन की छोड़िए, अरे यहाँ हमारी रातों की नींद चली गई है, पप्पू आया रात में, गुड्डू गया बारात में। अंकल इस उम्र में आपने ऐसा कौन सा कांड कर मारा कि आपकी रातों की नींद उड़ गई? अरे ना कांड इन्होंने ना किया है, कांड तो हमारे ससुराल वाले करने वाले है। करम फूट गए करीना के। अरे भतीजे वो क्या है कि इनके ससुराल वाले जो हैं हमारी बेटी को जो है तलाक देने की धमकी दे रहे हैं। पप्पू आया रात में, गुड्डू गया बारात में। Oh my gods। हाँ दादाजी, अरे हमारे ससुराल वालों ने कहा है कि हमने उनके खिलाफ FIR लिखवा के उनकी बेइज्जती कर दी, इसलिए वो हमें तलाक दे देंगे। करम फूट गए करीना के। अरे ऐसे कैसे दे देंगे तलाक, ऐसे कैसे दे देंगे तलाक हमारे होते हुए? बहना तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे दो भाई और एक परदादा। एक्सक्यूज मी, तीन भाई अभी जिंदा है और सौगंध है हमें तुम्हारी बांधी हुई राखी की। लो हमने राखी कब बांधी? नहीं बांधी तो फिर भी हमें सौगंध है, हमें सौगंध है बहना, हमें सौगंध है कि हम तुम्हारा घर नहीं उजड़ने देंगे, तुम्हारा तलाक नहीं होने देंगे। और अंकल आप जाके मुंह ढक के सो जाइए, चैन की बांसुरी बजाइए, हम मैडम को ये सारी बात बताएंगे, उसके बाद मैडम का आइडिया गुलगुले जी के दिमाग में आएगा। आएगा आएगा, और ऐसा आइडिया आएगा कि इस बार करीना के ससुराल वाले सुधर जाएंगे। कौन हो तुम? हम पोस्टमैन है, चिट्ठी लाए है। तुम कौन हो बे? हमारा मतलब आप कौन है? ये सन ऑफ मदर इंडिया है और रिश्ते में हम इसके बाप होते हैं, नाम है सिनेमा स्कोप श्रीवास्तव भाई। ये लो चिट्ठी लो और यहाँ पर साइन कर लो। हाँ खामोश।
अरे जाओ जाके पहले हे विंग वाले मयूर भाई के साइन लेके आओ। यस मच्छर था मच्छर मच्छर था मर गया ये लो समझ लो ये साइन कर लो। लो ठाकुर बेटा बेटा जरा चिट्ठी खोल कर तो देख क्या संदेश आया है। अरे सासुमा मेरे मामा जी आ रहे हैं वो भी अमेरिका से अपने पूरे परिवार के साथ। करम फूट गए करीना के। नमस्ते मामा जी। मामी मामी जी नमस्ते मामा जी। कौन आया बहू? अरे अरे सासुमा मैंने बताया था ना मेरे मामा जी तोफा मामा और मामी जी अमेरिका से आए हैं। करम फूट गए करीना के। अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते वेलकम टू इंडिया। कबड्डी। अरे अरे ये सब क्या हो रहा है ये लोग कौन है? अरे ये क्या मचा रखा है इस घर में क्या हो रहा है? कौन लोग ये? ये कबड्डी क्यों खेल रहे हैं? अरे समदन जी आप कमाल करती हैं। क्यों नहीं खेलेंगे? हम खिलाड़ी हैं ना। अरे हमारे तो रोम रोम में स्पोर्ट्स बसा है। कबड्डी 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 कबड्डी। तो ऐसे ही खेलते हैं लोग हमें खेलते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे समदी जी क्या देख रहे हैं आप? हम खिलाड़ी हैं ना, खिलाड़ी 886। और अभी आप हमारे छोटे बेटे से तो मिले ही नहीं है, वो तो हमसे भी बड़ा खिलाड़ी है, खिलाड़ी 986। क्या? अरे ये क्या कंघा कर रही हो? कैसे मामा मामी आ गए? दिन भर से घर में धमा चौकड़ी मचाई है, कबड्डी खेल खेल के हड्डियां खराब कर दी पिताजी की। एक एक हड्डी दुख रही है और जो मोच आ गई सो अलग। और सुना नहीं तुम लोगों ने? हाँ क्या कह रहे थे वो दोनों कि उनका कोई बेटा आने वाला है? आने वाला नहीं बल्कि आ गया है। आज खेलने में बहुत मजा आएगा। ए बेटे ये खेल मत खेलना, ये खेलोगे तो हमारी जान से खेल जाओगे। बहुत खुश हूँ मैं तुम तीनों से, अब बस ऐसे ही बैठे रहना, फिर देखना मैं कैसे भाले पे भाले मारता हूँ और तुम तीनों को टच नहीं होगा। अरे नहीं भैया चिंता मत कीजो, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। अरे तुम तीनों तो बहुत डर गए हो, तो अभी मैं भी जाके आराम करता हूँ क्योंकि कल सुबह मेरे भैया भाभी आएंगे, उन्हें लेने के लिए मुझे स्टेशन जाना है। भैया भाभी ये लीजिए। समदी जी आप ये घूर घूर के क्या देख रहे हैं? अगर आपको भूख लग रही है तो आप भी लीजिए ना, खाइए। एक बार हम सब खा लें उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा खेल। कबड्डी 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 कबड्डी। देखिए हम खिलाड़ी हैं, हम ऐसे ही खेलते रहते हैं। कबड्डी 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 लाओ। देखिए समदी जी एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, ऐसा भी होता है क्या कभी कि कोई दिन रात बस खेल में ही डूबा रहे, हर समय बस खेल ही सूझे? ऐसा होता है क्या?
लेकिन हमने सुना है आप लोग फिल्मी बहुत है। अरे ऐसा कोई फिल्मी होता है क्या जो हर वक्त सिर्फ फिल्म फिल्म ही बोले? ओह माय गॉड, मैं तो बताना ही भूल गई, अब हमारी बड़ी बेटी यहाँ पर आ रही है, वो बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्टर है और उसके साथ उसका पति भी आ रहा है जो एक प्रोड्यूसर है, वो दोनों यहाँ पर किसी फिल्म की कास्टिंग के लिए आ रहे हैं। आयो यो यो। हमने आप ही के घर का एड्रेस दिया है तो बस वो लोग आते ही होंगे। हाँ बहू जरा देखो तो कौन आया है। जा रही हूँ। अरे वाह, घर में काफी नौकर पाल रखे तुमने। जीजू इनसे मिलिए, ये कोई नौकरानी नहीं है, ये हमारी सास है बालकोनी चतुर्वेदी। और ये जो आपको नौकर जैसे लग रहे हैं ना, ये भी कोई नौकर वोकर नहीं है, ये हमारे ससुर हैं सिनेमा स्कोप चतुर्वेदी। और ये तीसरे भी जो आपको नौकर जैसे लग रहे हैं ना, ये भी कोई नौकर वोकर नहीं है, ये हमारे पति देव है डीवीडी श्रीवास्तव। करम फूट गए करीना के। वाओ, I am so excited to see कि ये लोग तो बिल्कुल फिल्मी हैं, इनके नाम भी फिल्मी और ये लोग भी फिल्मी। वाह यार, डार्लिंग ये तो अच्छी बात है। देखिए हमें एक फिल्म शुरू करनी है जिसकी कास्टिंग के लिए हम यहाँ पर आए हैं। Yes, that is true, absolutely. मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ और मैं कास्टिंग कर रही हूँ, तो मुझे एक आदमी चाहिए, बूढ़ा आदमी फॉर द यू नो बाप का रोल, और बहुत खूंसट शख्सियत का मालिक होना चाहिए, बहुत ही अड़ियल, बहुत ही घटिया और काइया टाइप आदमी, समथिंग लाइक दिस जेंटलमैन हियर। Yes, और मुझे चाहिए एक औरत जो बाल तो काले कर लेती है लेकिन अंदर से काफी बूढ़ी हो चुकी है। काफी जो है एक लोमड़ी की शक्ल की, बिलौटे जैसी आंखों वाली, मेकअप इतना करती है जैसे कि अगर धो दे तो नाली जाम हो जाए। अब समथिंग लाइक दिस प्रीटी लेडी हियर। एंड एक लड़का चाहिए मुझे जो बहुत ही थुलथुले गालों वाला है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस बॉय हियर, दिस या दिस वन, नाइस। एक मिनट बेटी, एक बात बताऊं, वैसे हम लोग भी सब एक्टर ही हैं और देखा जाए तो आपकी रिक्वायरमेंट में एकदम फिट बैठते हैं। हाँ, अरे हमें तो एक्टिंग का बचपन से ही शौक है, एक्टिंग तो हमारे रग रग में भरी हुई है। अब ये बात और है कि किसी ने हमें फिल्म में हीरोइन ही बनने का मौका ही ना दिया। अरे अगर मौका मिल जाता ना तो आजकल की क्या है ये कटरीना करीना विद्या बालन और कौन है अपनी वो हेमा मालन, सबकी छुट्टी कर देती हम। अरे खा जाती है एक्टिंग में। साली साहिबा, लगता है आपकी नजर मेरे पे ठीक तरह से गई नहीं। अगर आप चाहें तो ये रोल हम लोग कर सकते हैं। मेरे पास तुम सबके लिए रोल है, ठीक है डार्लिंग, ऐसा करते हैं कि इनकी कास्टिंग कर देते, हमारी फैमिली की भलाई हो जाएगी। नो नो नो, आई बेग टू डिफर। ये एक्टिंग का काम प्रोफेशनल्स का काम है, कोई भी ऐसा नौसिखिया एक्टिंग थोड़ी कर सकता है, एंड आई एम श्योर ये लोग तो 2-3 रीटेक्स के बाद ही भाग जाएंगे। हैं अरे अरे साली साहब नहीं भागेंगे, अरे हम लोग तो क्या है सिनेमा हॉल में ही पले बढ़े लोग हैं। एक बार एक्टिंग कराने का मौका तो दीजिए। Fine, I will give them a chance. तो ठीक है, आप सब मेरे एक्टर्स बनेंगे और मैं आप लोगों के साथ शूटिंग करूंगी, और आप लोगों के साथ शूटिंग शुरू होगी कल सुबह 10 बजे। सो रिमेंबर एवरीबॉडी, आप लोगों का कॉल टाइम है टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock। मैं तो 4 बजे ही तैयार हो जाऊंगी। वाया, अंकल आंटी और डीवीडी, ज्यादा रिटेक्स मत देना क्योंकि हमारे प्रोडक्शन का बैंड बज सकता है। अरे आप
फिकर मत करो प्रोड्यूसर जी, एक बार बस हमें पता चल जाए कि करना क्या है, फिर देखो। अरे फिर देखो हम क्या करती हैं, कि हम पाकीजा से लेके उमराव जान तक, बसंती से लेके धन्नो तक क्या क्या कर दिखाती हैं। ओके लिसन नाउ एवरीबॉडी, लिसन टू मी, लिसन वेरी केयरफुली ओके। ये मेरा ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक ओके। इस ब्लॉक में हम ये दिखाएंगे कि आप दोनों अपनी इस बाइक से उतरेंगे और आप वहां से भागती हुई आएंगी ओके। और आप इन्हें अटैकिंग मोड में ले जाएंगे और आप कहेंगी कि तुम, मैंने तुम्हें क्या सोचा और तुम क्या निकले, तुम मेट नंबर के गलियारे, खूसट, मक्खी, जो आई डोंट नो व्हाट ऑल इज रिटन हियर। ये स्क्रिप्ट में देखिए ये क्या है। हाँ तो ये आप पढ़िए और इसको अच्छे से लर्न करिए और उसके बाद आप इन्हें पूरा फोर्स लगा के रियल फीलिंग से एक जोरदार जो है लगाइए। रोज का काम है। राइट राइट, यानी तमाचा, क्योंकि फिल्म का नाम है तमाचे। ऑलराइट, जैसे ही आपको थप्पड़ मारेंगी यानी तमाचा मारेंगी, आप आग बबूला हो जाइए और आप कहिए कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं बल्कि इसका जिम्मेदार है ये गलुआ। Now you ready? The main thing is, I am not a masala filmmaker. Okay? I make films for myself. Real films. मैं real films बनाती हूँ. Okay? तो real करिए. Real के तमाचे, real के emotions. Yes. Ready? Yes. All right. Makeup. All the best, Budhe. You too, Samandan ji. Samandan. Samandan. Samdhan. Samandan. रहने दो डायलॉग। अरे एक एक लाइन। चल बैठना बैठना, यहाँ से उतरना है ना फिर सीन में। हाँ सर, तो बैठना पहले, चलो उधर जाओ ना, वहां से आओगी ना। बैठना पीछे, चश्मा उतर। ओके नाउ रेडी, रियल नेचुरल रियल फीलिंग, रोल कैमरा। फिल्म तमाचे, सीन वन, शॉट वन, टेक वन, एक्शन। नहीं, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम एक नंबर के लीचार, लोमार, खोचू, भांडू किस्म के दो कौड़ी के सड़क चापोगे। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। वाओ 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 वाओ। अरे तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया जबकि सबका जिम्मेदार ये गलुआ है। वाओ 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 वाओ। वन मोर। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं रियल फिल्म बना रही हूँ, मैं भंगार में बेचने के लिए नहीं बना रही फिल्म। अरे रियल फिल्म है, रियल इमोशंस लाइए, रियल इमोशन, रियल कदर। ये रियल का तमाचा था, फील हुआ रियल, रियल पेन हुआ तुमको, हुआ रियल फील। ऐसा आप रियल करिए ना। करेंगे मैडम करेंगे, कम ऑन टेक टू, अच्छे से करना। आओ बैठो। रोल साउंड, लाइट्स, कैमरा। डैडी ओरिजिनल मार देना इस बार। बैठना तू। टेक टू। एक्शन। नहीं, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम्हें एक नंबर के नीचर, लोमर, खोचू, भांडू किस्म के दो कौड़ी के सड़क छाप हो गए। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। ये 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 तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया जबकि सबका जिम्मेदार ये गलुआ है। वन मोर, टेक टेन, एक्शन। नहीं, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम एक नंबर के लीचड़, लोमड़, खोजू, बहुतों किस्म के दो कड़ी के सड़क छाप हो गए। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। आई। वन मोर, टेक 23, एक्शन। वन मोर, टेक 49, एक्शन। अरे डैडी कहाँ चलते? मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम एक नंबर के लीचड़, लोमड़, भोंदू, घोचू किस्म के सड़क छाप आदमी हो। इस सब के जिम्मेदार तुम हो। ओह
तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने मुझे मारा, जबकि इसका इस सब का जिम्मेदार ये गलुआ है, गलुआ। One more. बस मैडम, बस हमें नहीं करनी कोई एक्टिंग। क्या कर? अरे मार मार के गाय सुझा दिया, फालतू की चीजें। देखिए आपको मैं बताऊं, हमसे नहीं होती एक्टिंग, हमें माफ कीजिए, हमें घर जाने दीजिए, हम अब से फिल्म देखना भी छोड़ देंगे, एक्टिंग तो बहुत दूर की बात। अरे आर्थर, मार मार के रैप्टे, मेरे तो हाथ ही सूज गया रे। तमाचे। अरे क्या हो गया? आप लोग तो काफी फिल्मी किस्म के हो ना? हो नहीं सर, हो नहीं, थे सर। अब हमें समझ में आ गया कि एक्टिंग कितनी मुश्किल चीज है। अरे आप एक्टिंग तो भूल गए हम लोग, अब हम हिंदी फिल्म कोई भी बात नहीं कर मारूंगा मैं, बहुत हम कुछ नहीं देखेंगे, अब हम एक आम आदमी की जिंदगी जिएंगे, एक्टिंग सब छोड़ दी। मैंने तो पहले ही कहा था तुम लोगों के बस की बात नहीं है, एक्टिंग इज फॉर प्रोफेशनल्स, हर कोई मुंह उठाए एक्टर नहीं बन सकता। yes! समझे? अपना ये फिल्मी भूत उतारो और घर जाओ, हम दूसरे प्रोफेशनल एक्टर्स ले लेंगे, जाओ। थैंक्स फॉर वेस्टिंग माई टाइम यू इडियट। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। भाई मैं पेंशन, अब हमको नहीं कोई टेंशन। और मैडम जी आपने इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि इनकी अक्का ठिकाने आ गई है। ला, 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 ला। अब हमारी बिटिया जो है अपने ससुराल में निश्चिंत होकर रहेगी, है बिटिया? हाँ मैडम जी, थैंक यू वेरी मच, आखिर आपने उन लोगों को सुधार ही दिया, कर्म फूट गए करीना के। अब करीना कटरीना ने छोड़ो, अपनी गृहस्थी बसाओ जाके, ये लोग सुधर गए हैं। They are crack people, but they are not bad people. Okay? चलो। अच्छा मैडम जी नमस्कार। Okay, nice meeting. आ बेटा चले। आजा। Very good. केस सॉल्व हो गया मैडम? हाँ यार, बढ़िया हुआ केस सॉल्व हो गया। ये क्या फिल्मी चक्कर है बेकार के, मन ना चलते और फिल्मी डायलॉग। अरे मिस चौड़ारा ऐसे मत कहिए, फिल्मी डायलॉग से बड़े अच्छे होते हैं। जैसे कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बजरंग पांडे कहते हैं। ओ खामोश, जाली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और इस राख से जो बारूद बने उसे गुलगुले कहते हैं। खामोश। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, लप्पी है। क्या है तुम्हारे पास? क्या बोलो इज्जत? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है बिल्लू। मैडम आपकी बारी। मारी? ओके, सल्यूट टू दादा। कोई शक? हेलो, हाँ जेंटलमैन के लिए एक मसाला डोसा भेज दीजिए, और मेरे लिए कुछ बिस्किट भिजवा दीजिए। ओके। अच्छा, क्या तरीका है ये मोहन, क्या तरीका है ये? वहां तुम्हारी क्लासेस चल रही है और तुम यहाँ मैदान में गेंद खेल रहे हो? अरे आज मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके रहूंगा। शर्मा जी, ये बच्चा आपका? देखिए गौर से, देखिए क्या सिखाया आपने इसको, क्या सिखाया? अपने प्रधानाचार्य से किस तरह से बात करता है ये मालूम है आपको? अरे और नहीं तो फिर ये क्या सीखेगा, जब माँ बाप बच्चे के साथ 24 घंटे ऐसे टांगे टांगे घूमेंगे तो? अरे कुछ देर के लिए बच्चों को अकेला भी छोड़ना चाहिए। फ्रेंच में बातें कर रहे हैं आजकल ये, किसने सिखाई इसको फ्रेंच? आपने सिखाई है ना? नहीं, फिर ये फ्रेंच सीखा कहां से? देखिए जब स्कूल खत्म हो, छुट्टी हो, तब आप इसे लेने आया कीजिए। इस तरह पूरा टाइम स्कूल में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, ये बड़ों का स्कूल नहीं है, बच्चों का स्कूल है ये। जाइए आप घर पे। जाओ? हाँ जाइए। और मोहन कान खोल के मेरी बात सुन लेना, अगर दोबारा स्कूल में क्लासेस के टाइम पर तुम इस तरह मैदान में गेंद खेलते हुए मुझे नजर आ गए, सुन रहे हो? अभी अभी मैंने अंकल को भेजा है, आप आ गए आंटी।
कुछ हुआ था क्या मैडम? तू थर्ड क्लास आदमी है यार, बिल्कुल थर्ड क्लास। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट के पास से एक फाइल मिली भाई, और उस फाइल में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है भाई। भाई तुम उस फाइल पे साइन कर दो भाई, और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो भाई। भाई तुम साइन करोगे कि नहीं? मैं साइन करूंगा, जरूर साइन करूंगा, लेकिन पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे समोसे छीन लिए। बोलो उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया। क्या? ये। बोलो उस आदमी का साइन लेके आओ, इन सब का साइन लेके आओ, उसके बाद जिस कागज पे तुम कहोगे उस कागज पे मैं साइन करूंगा। क्या भाई भाई लगा रखा? वो मनोरंजन मैडम, मनोरंजन। हम तो बस वो इसका अपना जेंटलमैन का मनोरंजन कर रहे थे। मैडम आपने ही कहा था ना कि इसका ख्याल रखना है, तो मैडम इसका मुंह देख के मुझे लगा कि इसका डायलॉग सुनने का मन कर रहा है, तो हम लोग बस ऐसे इसको डायलॉग। महारा मुंह देख के क्या लग रहा है कि महारा क्या करने का मन कर रहा होगा? रैप्टा मारने का। काम पे लगो। बहुत काम बाकी पड़े हैं जी। इतने काम तो हो रहे हैं ना सवेरे से। अटेंडेंस रजिस्टर लाओ। वो पड़ा वहां पे, लाओ उठा के वहां से। अरे सब आए हैं आज मैडम। आइए आइए। एक्सक्यूज मी, मैं छेड़ू? मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैडम ये यहाँ पर खड़ा होकर आपके सामने आपसे पूछ रहे कि क्या ये आपको छेड़े? या मॉम आई विल किल हर। अरे नहीं नहीं आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पर किसी को छेड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं छेड़ू हूँ। वो शक्ल से ही दिख रहे हो, इस तरह के फटे चिटे कपड़े पहन के जो आए हो ना, तो पता चल रहा है कि एक नंबर के छेड़ू हो, और तभी किसी ने ये हालत की है आपकी। तो बता भी दो यार किसको छेड़ कर आए हो तुम, मारुति अड़ोसन को या प्रीति पड़ोसन को? अरे नहीं मैंने किसी को नहीं छेड़ा, बल्कि मेरा नाम है छेड़ू, छेड़ू छाबड़िया, टमाटर टनाटन है। काफी मोहब्बत दिखे है मन्ने, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे काफी प्यार करते हैं, इसलिए इतना नायाब नाम रखा। और ढंग का मिला नहीं कोई नाम, डिसेंट मतलब सोसाइटी में जीने लायक नाम कोई? मुझे तो पता नहीं ना, क्योंकि तभी मैं तो बहुत वो टीनी था ना, मैंने बच्चा था ना, तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाया इसलिए। वेल ब्रो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज द है? बताता हूँ दादाजी। एक्चुअली मैडम बात यह है कि चार लड़के हैं, मुस्तंडे हैं, जब भी वो लोग मुझे देखते हैं ना तो वो लोग मेरे कपड़े फाड़ डालते हैं, मतलब टन टन है। अरे ऐसा कोई करता है क्या, कोई पागल वागल है क्या वो लोग? जरूर तुमने कोई हरकत की होगी। अरे नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, एक्चुअली वो लोग कहते हैं कि वो लोग है ना मेरे बहुत बड़े फैन है।
माने जब भी वो लोग मुझे देखते ना तो खुशी के मारे वो लोग मेरे कपड़े फाड़ डालते हैं। टमाटर तना तन है। ओहो, एक तू ही आया है बिल्कुल आर्नोल्ड स्वाज़नेगर, नि सलमान खान हो रहा बिल्कुल की लोग दीवाने हो रहे, तैने जो है देखते ही लिपट जा रहे, कपड़े फाड़े ले रहे थारे ही। नहीं वो तो मैडम मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ वो टीवी पे एक कार्यक्रम आता है कृषि प्रदर्शन, उसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ कि गेहूं की अच्छी फसल के लिए कौन से बीज बोए जाए, चावल की तराई कैसे की जाए, गन्ने की फसल में कीड़े ना पड़े उसके लिए क्या किया जाए, अभी ट्यूबवेल है उसके नीचे नहाया कैसे जाए, टमाटर टना टन है। मैडम एक कृषि प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम में आने वाले आदमी के इतने बड़े फैन? हमने तो ना देखा कभी तुम्हारा प्रोग्राम। चारों को लोकेट करो, ठाणे में लाओ जल्द से जल्द। ओहो, तुम हो रहे हो वो फैंटास्टिक फोर जो है इसके खूब कपड़े फाड़े ले रहा। अरे रुक ना जा। हाँ मैडम यही लोग हैं वो चारों लोग, टमाटर टना टन है। अच्छा नाम बोलो। जी मैडम मैं पूरब हूँ। जी मैं पश्चिम हूँ। मैं उत्तर। और मैडम मैं तो दक्षिण हूँ। खूब मतलब चारों दिशाओं से आकर अटैकिंग मोड में तुम इसके कपड़े चीर रहे हो। अरे ए छेड़ू भाई ये क्या है ये सब? नहीं नहीं हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे खिलाफ यहाँ आके FIR लिखवा देंगे। उषा उज्जैन में है। छी 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 छेड़ू जी, ये भला कोई अपने फैंस के खिलाफ FIR लिखाता है? और आप हैं कि मुंह उठा के चौकी चले आए। इंदु इंदौर में मैडम हम तो है ना इनके बहुत बड़े फैन है। हम तो रोज टीवी पे है ना इनका क्रियाकर्म है? वो मेरे कहने का मतलब है इनका कार्यक्रम देखते हैं, कृषि प्रदर्शन रीटा रतलाम में है। और मैडम वो हो मैडम क्या बताएं इनके बारे में, कमाल के आदमी हैं ये। और इनका कार्यक्रम इतना हिट है क्या बताएं मैडम, बाबी भोपाल में है। भाई भोपाल इंदौर उज्जैन तो जो है ना बाद में होगा जाना, फिलहाल जाओगे तुम लोग जेल और वो भी लंबा। अरे लेकिन मैडम हमारा कसूर क्या है? उषा उज्जैन में है। ओ कसूर, तुम लोगों ने कसूर पूछ लिया? मतलब रोज इस आदमी के कपड़े फाड़ देते हो और कसूर पूछ रहे हो? या तुमने फाड़ा इसका कपड़ा इसदा या है लफड़ा इसदा? बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं। कृषि प्रदर्शन जैसे प्रोग्राम में आने वाले एंकर का कोई फैन हो सकता है क्या? क्या पागल क्या गधा समझ रखा है भैया को? Well. ऐसा ही मन नहीं हो बताओ असली बात के, वरना हमारे यहाँ एक लॉकअप है जो साउंड प्रूफ है जिससे आवाजें बाहर ना जाती। अरे असल में बात ऐसी है मैडम कि हम लोग भी किसान लोग हैं, मतलब हमारे गांव में भी बहुत जमीन है लेकिन पता नहीं उसमें खेती ढंग से हो नहीं पा रही है। इंदु इंदौर में। मैडम हम लोग तो चाहते हैं कि ये बस है ना हमारे गांव चले और वहाँ किसानों को बताए कि खेती कैसे करनी है, कौन से बीज डालने हैं, कैसे सिंचाई करनी है, और इससे है ना किसानों की खेती अच्छी हो जाएगी। रीटा रतलाम में है। मैडम ये हर बार मना कर देते हैं इसलिए हम लोग को गुस्सा आता है हर बार, और इसलिए हम लोग कपड़े फाड़ देते हैं। भाभी भोपाल में है। भैया ऐसा है तू अगर इनके जो है गांव चला जाएगा और समझा देगा सिखा देगा किसानों ने जो है खेती वगैरह तो के चला जाएगा थारा। लेकिन मैडम ना लेकिन बेकिन कुछ नहीं, ऐसा है याद नहीं है लाल बहादुर शास्त्री जी ने के कही थी? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कही थी? हाँ वही। शास्त्री जी ने कही थी जय जवान जय किसान। नहीं चुप रहो। हाँ तो ऐसा है इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तू इसके गांव जा और किसानों ने शिक्षा दे। चलो। जी मैडम थैंक यू।
मैं कुछ फ्री में बट रहा है क्या यहाँ पर? भूला तू खाया भी मत कर। मोम मेरे कोई बिस्कुट ले जाता है यहाँ से जी कोई। आ गए आप दफ्तर से? हाँ? आज ना मैंने मूंग के पकोड़े बनाए हैं, चाय के साथ हम दोनों खाएंगे। उसके बाद ना रणबीर की नई फिल्म लगी है ना, वो देखने चलेंगे। उसके बाद तो फिर ये वो कुछ नहीं, रो मत जरा, चलो। देख बिल्लू तेरा बहुत हो गया है, चलो छोड़ो मैं, चल। अच्छा तो आपने हमारे बच्चे का नाम भी सोच लिया? बिल्लू तो बड़ा प्यारा नाम है। सर कुछ हुआ था क्या? तूने हमें फिर से छुआ था। तुझे नौकरी से निकाल देंगे, बस डिसाइड कर दिया हमने, नौकरी से गया तू, फुल एंड फाइनल। सर ऐसा मत कीजिए सर, क्योंकि मेरी अभी शादी भी नहीं हो पाई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है मेरी अभी तक। अब तो शादी तो मेरी भी ना हुई है, इसका ये थोड़ी मतलब है। यो तुम इस तरह का? हाँ एक और चांस दिया, पान लेके जा। आ गई तू गुलाबो, मिला ही इलायची पान वाले से। ये तेरी हरकतें एक दिन खानदान का नाम लेके डूबेंगे। कुछ हुआ था क्या जीजू? हाँ आज से 26 साल पहले हुआ था। क्या हुआ? तू हुआ था 26 साल पहले, और उसके 6 साल के बाद मेरा विवाह हुआ था, और दहेज में तू आया था। मैं दहेज में आया था ना? मैं आपके दहेज में आया था ऐसा आप बोल रहे हैं ना? बोलिए बोलिए, मैं दहेज में आया था ना आपके? हाँ हाँ तू मेरे दहेज में आया था भैया। ये दो जिंदा गवाहों के सामने आप अपने पूरे होशो आवाज में ये बात कह रहे हैं कि मैं आपके दहेज में आया था? हाँ हाँ तू मेरे दहेज में आया था, और जिसे मैं अब तक भुगत रहा हूँ, समझा? भैया हथकड़ी लगाइए इनको। नहीं कुछ सोचिए मत, कानून की नजरों में सब बराबर है, फिर चाहे वो कमिश्नर हो या हवलदार हो, आप लगाइए हथकड़ी। वेल मैं क्यों लगाऊं इनको हथकड़ी, इन्होंने क्या की है गड़बड़ी? अरे आपने अभी सुना नहीं, इन्होंने अभी अभी कबूल किया है कि मैं इनके दहेज में आया था, मतलब इन्होंने मेरे पापा से दहेज मांगा और मैं इनके दहेज में आया, मतलब इन्होंने दहेज लिया। और दहेज लेना और किसी को दहेज के लिए मजबूर करना, यह कानूनन जुर्म है, आप इनको अरेस्ट कीजिए। ये तो सही है, सॉरी सर बट यू आर अंडर अरेस्ट। तुम में से किसी ने भी एक लफ्ज भी बोला ना तो सस्पेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है, फिर आप घर आना, मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगा, फिर वो ही आपका हिसाब किताब करेंगे। हुई 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 हुई। अरे एक मिनट यार, क्या ये इतना? सर वैसे आप ये तो बताइए सर कि आप ऐसे अचानक यहाँ पर, मतलब क्या ऐसे मटर गश्ती करते हुए घूम, मतलब घूमते हुए बस आ गए ऐसे अचानक? अरे मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि विदेश से एक मिनिस्टर आ रहा है जिसे इंडिया के गांव और गांव वाले खेत खलियानों से बहुत ज्यादा प्यार है, और वो ईमान चौकी भी विजिट करेगा। Well, what you wanted is the, मेरी बीवी है एकदम hunted is the. मैं चाहता हूं कि जब वो यहाँ आए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाए, ताकि रिटायर होने से पहले मैं प्रमोट होके DIG या IG बन जाऊं, और तुम सबको भी प्रमोट कर दूं। बात है सर, थैंक यू सर, हमें करना क्या होगा सर? मैं चाहता हूं कि इस चौकी में गांव का माहौल बना दें, आप लोग खेती बाड़ी करें, टमाटर बोएं, ताकि जब वो मिनिस्टर यहां आए तो मैं उन्हें बता सकूं कि देखिए हमने चौकी में भी गांव बना रखा। और ये बात आप मिस चौटाला को भी बता दीजिएगा। जी चलता हूं। जी जो जा रहे हैं आप? जी हाँ जा रहे हैं। फिर शाम के लिए तैयार रहना। चलो चलो छोड़ो जी, बच्चा है कोई? चमचे सावे ओके सावे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? और क्या यार, वो भी ना मतलब क्या खूबसूरत लड़की थी यार, वो क्या खूबसूरत लड़की थी, और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी वो तो।
कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। अब तो मिलवाना था ना गुलगुले जी, मेरी भी तो अभी कोई शादी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। यार हमने तेरी फोटो उस लड़की को दिखाई थी ना, तेरी याददाश्त ने सारा काम बिगाड़ा इसका। लड़की कहती मैं इसे जानती हूँ, ये तो बेच रहा था सिंघाड़ा इसका। क्या, जब मेरी किस्मत का हाथी जोर जोर से चिंगाड़ा तो मैं खड़ा होके बेच रहा था सिंघाड़ा। और क्या यार, तू भी ना यार क्या करता है, अच्छी खासी तेरी सेटिंग हो सकती थी, लेकिन यकीन नहीं आता है तो तू पूछ ले अपने जेंटलमैन से पूछ ले। अरे यार ये क्या बोलेगा बेचारा है? बोल रहे ना भैया, वो उसको बोलने तो दो, आप या तो आप बोल लो या उसको बोल लें दो। Well. हाँ। यार हकला क्यों रहा है, क्लियर बोलना, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या, अच्छा हाँ ठीक है, अब ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है। वो ठीक बोल रहा है भैया, लेकिन गुलगुले जी ऐसे टाइम पे आप लोगों को मेरा कान मरोड़ देना चाहिए था। वो जब सही टाइम आया ना तब आप लोगों ने मेरा कान मोड़ा नहीं है, वैसे बहुत मजे लेते हो आप लोग सब। मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी वोकरी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे रुक रुक, अरे रुक रुक यार, तू भी ना। Well, कुछ नहीं हुआ इसका, ना लगी आग ना निकला धुआं इसका। हम लोग तो मजाक कर रहे थे यार बिल्लू, क्या तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकते हैं क्या है? दोस्त नहीं है क्या हमारा तू? क्या यार बिल्लू, तू भी कमाल करता है यार, मजाक कर रहे थे, यकीन नहीं आते तो पूछ ले जेंटलमैन से पूछ ले। यार ये क्या बोलेगा यार भैया, बोल रहे हैं ना, वो देखो ना आप तो क्या, वो बोले भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोले, बात करने दो ना उसको, बोल रहे हैं वो इतने तो क्या है जेंटलमैन। भैया जेंटलमैन भी कह रहा है कि आप लोग मजाक कर रहे थे। लेकिन गुलगुले जी ये बहुत ही भद्दा मजाक था, किसी भी कुंवारे लड़के के साथ उसके कुंवारे जज्बातों के साथ इस तरह का मजाक कभी नहीं करना चाहिए, बस ये है बात। Well, I am sorry is the truck car lorry is the है। भैया आप मुझसे बड़े, आप अपना कान मत पकड़िए, मैंने आपको वैसे ही माफ किया, जाइए। वो कान नहीं पकड़ा है, वो अपना कान खुजा रहा है। Well, mom, आप बिल्लू को ऐसे क्यों रही हैं? घूरिज़दा लप्पी लूथरा है मेरे लिए हूरिज़दा। के खा के पैदा कर दिया थारे जीजा की अम्मा ने उनको। अबे किस टाइप का पागल आदमी है थारे जीजा? अग्रीड मैडम। अगली हाँ अग्रीड मैडम, मैं भी यही बोलता हूँ मैडम। बताओ कह रहे चौकी बनाओ, हमारा गाँव हमारा देश, यहाँ उगाओ जो है गन्ने और टमाटर की खेती करो, ऐसे कैसे होगा? तो मना कर दीजिए ना मैडम, बोल दीजिए नहीं होगा, चल हट। हाँ क्यों नहीं, चपड़ासी लग रहे ना वो तो। अरे कमिश्नर है, कमिश्नर आर्डर दिया है, मना कर दूं। मैडम वो छेड़ू याद है आपको, जिसको आपने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के गाँव की खेती करवाने के लिए भेजा है, मैडम वो उनको यहाँ पे ले आते हैं, वो बहुत बढ़िया रहेंगे, उनको सब नॉलेज है खेती का, वो चौकी में खेती करवा देंगे टमाटर की। जो फर्स्ट टाइम इस आदमी ने जो है इस लौंडे ने सही बात बोली है, दिमाग वाली। बुलवाओ छेड़ू तुम बुलवाओ। Well, चीज इन गांव इज द जहां है ठंडी ठंडी छांव इज द। अबे वो चला भी गया? Yes! तैने कैसे बेरा है? मॉम उस बिल्डिंग में ना जी मेरी एक गर्लफ्रेंड रहती है जी, मैं उसको मिलने गया था जी। तो मैंने देखा जो सामने ना चारों बालकोनी में खड़े थे, मैंने पूछा उनसे, ओए मैं कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हम छेड़ू के घर का ना ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि छेड़ू उनके गांव गया है। चारों लोग वहां खड़े थे ना? उठवा के लाओ छेड़ू ने गांव से। तो तेरी भैंसिया दूध ना दे रही, भैंसिया को लाए हो साथ में? कहाँ है, बाहर खड़ी है, क्या करती है बाहर खड़े होके? ओ, अरे, अरे, राम राम बीबी जी, बतावी कितना दूध बा देवी हम। तू तो अपनी भैंसिया पर बैठ के निकलो चलो। मैडम देखिए लग रही है ना एकदम गांव की चौकी, और हम लोग गांव वाले
या मॉम, जब मंत्री जी यहाँ आएंगे इसदा, ये सब देख के खुश हो जाएंगे इसदा। और फिर मैडम मेरे जीजू आईजी डीआईजी बन जाएंगे और मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। फिर मेरी शादी भी हो जाएगी और फिर गर्लफ्रेंड भी बन जाएंगी 3-4। अबे चलना अपने यो ख्याली पुलाव बनाने बंद कर। ये पापा सारा झंडा रायता थारे और थारे जीजू की वजह से ही जो है यहाँ फेल रखा है। बिल्कुल यार, है कहाँ वो छेड़ू, उसको लाने कौन गया है? वही तो करेगा यहाँ टमाटर की खेती। अरे लाने गए नहीं मिस चौड़ाला, बल्कि हम उसे लेकर आए। ये वो छेड़ू जिसे हम गांव से उठा कर आए। आइए आइए, आपका स्वागत है, प्लीज फील एट होम। इतना सम्मान, वो भी मेरा टमाटर टना टन है। अरे क्यों नहीं, आप हैं बिल्कुल जो है इसके लायक, अपना रिस्पेक्ट देने के रिस्पेक्टेबल आदमी हो तुम। योर सिंसियरली टाइप वाले आदमी हो, साइन वाले हैं। और बताओ तुम्हारी कैसी रही वेकेशन, छुट्टियां वगैरह, मतलब गांव में घूमना, खेत खलियान, सिखाया है खेती वगैरह किसानों को? कहे के किसान और कहे की खेती। अरे जमीन के किसान, जमीन की खेती। वहां पे मुझे कोई किसान मिला ही नहीं जिसको मैं खेती करना सिखा सकूं। टमाटर टना टन है। तू ये गांव में शॉपिंग मॉल बनाने गए थे? अरे बताता हूँ ना इंस्पेक्टर साहब, जैसे कि डिसाइड हुआ था उस तरह एक बंदा जो यहाँ पे मुझे लेने आया शहर में, उसका नाम था हरिया। हाथ में लेके सरिया मुझे वो लेके गया अपने गांव, और वहां पे खेत में है ना मुझे ट्रैक्टर पे बिठा दिया एक हफ्ते तक, और उसने कहा कि यहाँ इस एरिया में है ना मुझे कटहल उगा के दिखाओ। मैंने कहा कि भैया ये कटहल की सीजन नहीं है, अभी कटहल नहीं उगेंगे। तो उसने मुझे पीट दिया। टमाटर टना टन है। Oh my gosh! What the Yuda say is the? क्या सच में हुआ ये is the? अभी दादाजी आप ही बताओ कि अगर किसी को खेती करना सीखना ही नहीं है तो वो हरिया हाथ में लेके सरिया मुझे वहाँ गांव क्यों लेके गया? टमाटर टना टन है। मामला तो गड़बड़े में चौड़ाला। पहले तो 4 आदमी आए ये बोल के कि गांव चलो भैया, हमारे आदमियों को, किसान को खेती सिखाओ, और फिर पिकअप करने आया हरिया हाथ में लेके सरिया, और बस ट्रैक्टर में घुमाता रहा या तो पीटता रहा। गड़बड़ तो है, उसकी फाइंड आउट हम करेंगे, तुम टेंशन मत लो, वी आर पुलिस। तुम एक काम करो, जरा ये हमारे बालकों को यहाँ खेती करनी सिखाओ टमाटर की, चौकी में। क्या मैं यहाँ पे टमाटर कैसे उगाए जाते हैं वो सिखाओ? मैं यहाँ पे टमाटर कैसे उगाए जाते हैं वो सिखाओ? समझा कीजिए ना, अगर आप यहाँ पे टमाटर उगवा देंगे ना तो हम सबकी जिंदगियों में बहुत कुछ उग जाएगा। प्लीज मना मत कीजिएगा, प्लीज। हाँ सिखा दूंगा, लेकिन अभी क्या करता हूँ, मैं घर जाता हूँ, 8 दिन से घर बंद पड़ा है, तो जरा साफ सफाई कर देता हूँ, खुद भी फ्रेश हो जाता हूँ, बाद में आके मैं टमाटर कैसे उगाए जाते यहाँ वो सिखाता हूँ। टमाटर टन टन है। अरे एक मिनट, तुम्हारा घर बंद कहाँ पड़ा है? तुम्हारे वो 4 फैन, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो सब है ना तुम्हारे घर में? क्या? हाँ आप ही तो उनको बोल के गए थे कि वो लोग आपके घर का ख्याल रखें, तो वो रख रहे हैं। क्या क्या तने बेरा ना है वो थारे घर में जमे पड़े? नहीं मैडम, मैंने कहा था ना मिश्रा, मामला तो गड़बड़ है। और जब तक मैं वो फाइंड आउट करती हूँ कि वो थारे घर में क्यों जमे है, तू अपने घर नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा, और यहाँ इन द मीनवाइल टाइम पास के लिए यहाँ टमाटर की खेती कर, ठीक है? और फिलहाल जरा साइड में एक बढ़िया वाला बड़ा सा गड्ढा खोद जिसमें एक बड़ा मोटा टमाटर मैं दाबूं। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चमन चंडोल खोल दे पोल आइडिया आ रहा है। तो तैने बेरी करके जो है उस पे एक फ्लावर लगा के रेस्ट इन पीस लिख दूंगी, फिर देगा आइडिया? जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए आइडिया सुनिए। That's a good idea, my friend. Thank you. Hey! किसे मिलना है आपको? उषा उज्जैन में है। अच्छा उषा कहीं भी हो, हमें क्या करना उससे? लेकिन छेरू कहाँ है? छेरू आप लोग कौन है? बेटा
हम छेड़ू के माँ बाप हैं, गांव से आए हैं उसे मिलने के लिए, लेकिन छेड़ू कहाँ है? और वैसे हमारे बेटे छेड़ू के घर में दरवाजा खोलने वाले तुम कौन हो? अरे भाई, छेड़ू ने बताया नहीं कि उसने नौकर रखा है। ओहो, थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। अरे अरे अंकल जी, नहीं नहीं, मैं नौकर नहीं हूँ, उषा उज्जैन में। ओहो, तो मालिक भी तो नहीं हो, क्योंकि इस घर का मालिक हमारा बेटा छेड़ू है। छेड़ू नहीं, सही बात है, वही छेड़ू ही मालिक है। क्या है कि मैं छेड़ू का दोस्त हूँ। आप लोग आइए ना, आइए आइए, अंदर आइए। बेटा, ये तीनों कौन हैं? मम्मी जी, ये तीनों भी छेड़ू के बाकी के तीन दोस्त हैं। मैं पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। उषा उज्जैन में है। और सुनो, ये छेड़ू के मम्मी पापा है। नमस्ते करो। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अरे भाई, जीते रहो जीते रहो जीते रहो, खाते रहो पीते रहो। लेकिन छेड़ू कहाँ है? वो क्या है आंटी जी, छेड़ू किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया है, एक दो दिन में आ जाएगा। इंदू इंदौर में है। हाँ हाँ, आप लोग है ना, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग है ना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। हेलो भाई, ये भी ठीक है, मतलब जब घर में तुम जैसे हट्टे खट्टे मुस्टंडे बैल जैसे लड़के हैं, तो हमें चिंता करने की क्या बात है, हम अंदर जाके आराम कर लेते हैं। भाई, हमारा ही तो घर है। हाँ। आ जाओ आ जाओ। हाँ, आराम से आराम से। अरे अरे भैया, हम अपने काम को अंजाम कैसे देंगे, ये नई मुसीबत आ गई, भाभी भोपाल में है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये बुढ़े बुढ़ी क्या करेंगे। एक काम करना, रात को इन्हें पानी में नींद की दवा मिला के पिला देना, ये सोते रहेंगे और रात में हम अपनी प्लानिंग पूरी कर लेंगे और सुबह होते यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि कल हमें हमारी प्लानिंग को अंजाम देना है। चलो, ये काम भी हो गया, अब इससे पहले कि देर हो जाए यहाँ से निकल लेते हैं उषा उज्जैन में। बस कमाल का दिमाग है आपका, आपने कितनी चालाकी से छेड़ू को हरिया के साथ गांव भेज दिया। इंदू इंदौर में है। हाँ, उसके कंप्यूटर में और उसी का इंटरनेट यूज करके सारी प्लानिंग सेट की। प्लान को अंजाम देंगे हम और पकड़ा जाएगा वो छेड़ू, भाभी भोपाल में है। नींद की दवा का असर खत्म होने वाला है, इससे पहले कि वो बुढ़ा बुढ़ी जाग जाए, चलो यहां से निकल लेते। तुम लोगों ने कहा, गोपी लगता है घर में कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। वाह अल्लाह, लगता है वो चारों भाग गए। सर, लेकिन गोपी अब तक सर दर्द हो रहा है, हम लोगों को इतनी गहरी नींद आई कैसे? हाँ, जरूर इन लोगों ने पानी में नींद की गोली मिला दी होगी। हाँ। मतलब मैडम का शक सही है, लेकिन ये लोग करने क्या वाले हैं, करने क्या आए हैं, चाहते क्या हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। गुलगुले, वो देख सामने कंप्यूटर ऑन है, लगता है जरूर इस पे कुछ काम कर रहे थे ये। सही कह रहे हैं, तो चेक करके देखते हैं। आजा, कंप्यूटर पे कुछ तो पता चलेगा हमें। ए यार, ये तो लॉक्ड है गोपी, और हमें तो पासवर्ड भी नहीं पता। हे गुलगुले, ओह माय गॉड्स, गुलगुले ये देख, चारों में से किसी का मोबाइल छूट गया है। वेल, तुम मोबाइल लेके क्यों गए हो चौकीजदा, एसएमएस पढ़ के तुझे क्यों आ गया है शौकीजदा? गोपी गोपी, इसमें लिखा है कि वो जो विदेश से हमारे इंडियन मिनिस्टर आ रहे हैं, ये लोग उनका खून करने वाले हैं। और इसमें ये भी लिखा है कि कमिश्नर साहब भी उनके साथ होंगे और ये लोग कमिश्नर साहब को भी मार देंगे। हमें इन दोनों को बचाना होगा गोपी, किसी भी तरह। ओह माय गॉड, मॉम को करते हैं इन्फॉर्म इज द, कहीं ये लोग अपना करना जाए काम इज द। हाँ हाँ, मैडम को यानी इस फोन से नहीं करेंगे ये भी तो उनका ही है। तेरे पास फोन है क्या? ओ, ट्रंक में पड़ा है। ट्रंक? हाँ, पेटी।
इसी से करता हूँ। हेलो। अबे वहीं बस गए हो के? मैडम 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 इतना हड़बड़ाया क्यों है तू? मैडम आपका शक सही निकला, वो विदेश से जो इंडियन मिनिस्टर आ रहे हैं ना, इन चारों लोगों ने उनको मारने का प्लान बनाया है। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ मैडम, उनका फोन यहाँ पर छूट गया था। मैंने खुद अपनी आंखों से उनके फोन पे वो SMS पढ़ा है। मैडम वो SMS मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। मैडम कमिश्नर साहब खुद उन्हें लेकर रावणपुर आ रहे हैं, पर मैडम कमिश्नर साहब की जान को भी खतरा है। फोन रख, मैं कमिश्नर साहब ने अभी फोन लगा रही हूँ। जी जी जी। गुलगुले मॉम क्या कह रही थी? कह रही थी कि गोपी को वहीं छोड़ के आना, उसे वापस कभी लेकर मत आना। वेल वेल सॉरी। हेलो। हाँ कमिश्नर साहब। नहीं मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। जरा कमिश्नर साहब को फोन दे। तू थाने पास कमिश्नर साहब का फोन क्यों आ गया? वो मैडम मैं लेके आया हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त ना फ्लोरिडा गया हुआ है, तो मुझे उससे फोन करने थे, तो मैंने सोचा जीजू के फोन से फ्री फोकट में लगा लूंगा। जीजू भी तो करते हैं मैडम लोगों का फोन मांग मांग के इंटरनेशनल फोन। अबे जल्दी चल ले वरना किसी को फोन लगाने लायक रहेंगे नहीं तुम्हारे जीजू, जान खतरे में। चल है? तेरी मौत इंदु इंदौर में है। अरे 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 ब्रदर, अरे लेकिन हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? काजू बादाम छुआरा, सचिन ने छाक का मारा। अबे चुप बे नकली अंग्रेज, सचिन छक्का मारे या ना मारे लेकिन हम तुझे गोली जरूर मारेंगे। रीटा रतलाम में है। अरे कमिश्नर, अरे ये कैसा इंतजाम है रावणपुर में सुरक्षा का? अगर हमको पता होता कि हमारी जान का दुश्मन यहाँ बैठे हैं तो हम यहाँ कभी ना आता। काजू बादाम छुआरा, सचिन ने छाक का मारा। लेकिन मंत्री जी, सिर्फ आपकी नहीं मेरी जान भी खतरे में है। हाँ। अरे बलखुलदार, तुम दोनों मारने के लिए तैयार हो जाओ, हमें तो विदेशी ताकत ने पैसे दिए तुम्हें मारने के लिए, भाभी भोपाल में है। नो नो ब्रदर नो, हमको जाने दो, हमको छोड़ दो, हमको जान से मत मारो ब्रदर। काजू बादाम छुआरा, सचिन ने खबरदार अगर हिलने की कोशिश की तो। जब तक बजरंग पांडे जिंदा है कोई मंत्री जी, मंत्री जी हाउ डू यू डू? फाइन सब ठीक ठाक। ओके और कमिश्नर साहब को हाथ लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, समझ गए? शाबाश शाबाश इंस्पेक्टर पांडे शाबाश। सर हम काम पूरा करेंगे, आज इन चारों को गिन गिन के बारी बारी गोली मारेंगे। मार दो गोली चारों को। या वन टू सर लगता है बंदूक में गोली नहीं है सर, बिल्लू भुलक्कड़ बिल्लू लगता है बंदूक में गोली भरने भूल गया, आपका साला सर मार कर रहेगा। लेकिन मेरी बंदूक में गोली है। Hands up, hands up. अब मैं इन तीनों को जल्द से जल्द खत्म कर देता हूँ। ये इंस्पेक्टर अगर यहाँ तक आ गया इसका मतलब पुलिस को हमारे प्लान का पता चल चुका है। ये तुमने सही कहा भैया कि पुलिस को तुम लोग के बारे में पता चल चुका है, इसलिए जरा कृपया करके पीछे मुड़कर देखिए, देख लो, शर्मा मत, देख लो एक बार। क्या है? हैं? क्यों जो है धूप में दुख पा रहे हो और हमारी भी रेल लगा रहे हो गर्मी में? तुम्हें क्या लगा चंद्रमुखी चौटाला ने कच्ची गोलियां खेली हैं?
अबे कानून और वर्दी से जो टकराएगा वो मारे से बच के ना जा पाएगा। वेल डन, वेल डन यंग लेडी, वेल डन। थैंक यू चंद्रमुखी जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। आप लोग चौकी चलिए, मैं मंत्री जी को लंच करवा के लाता हूँ। ठीक है सर। भूख तो मुझे भी। अबे चले, अबे अरेस्ट करो इन्हें, बैठे हुए बिल्कुल साउथ इंडियन पिक्चर के हीरो की तरह। साले अपना डिस्ट्रिक्ट नावा। देखिए सर, देखिए आप, कैसा लगा आपको हमारा पुलिस स्टेशन? काजू बादाम छुआरा, सचिन ने छाक का मारा। कमिश्नर, व्हाट ए देश, ये सब क्या है? सर यही तो मैं आपको दिखाने लाया हूँ कि हमने अपने पुलिस स्टेशन में गांव बसा रखा है और हम यहाँ पे खेती करते हैं। वाओ 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 वाओ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? अच्छा। अरे ये सब किस गाधे ने करवाया है? जीजू ने, ये इन्होंने किया है। हाँ मंत्री जी, आप ही को तो जो है ना खूब शौक था कि भैया गांव का और खेती वगैरह का, तो इसलिए कमिश्नर साहब ने यो काया पलट करवा दी चौकी की। टमाटर फॉर यू। देखिए ना सर, इतने सारे टमाटर उगाए हमने यहाँ पे, खुद का सॉस बनाएंगे घर का। फिर आपको भी खिलाएंगे ढोकला और समोसे के संग। हाउ यू लाइक इट? वेल सर, क्या ये सब आपको अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे हमको खेती, किसान, गांव बहुत पसंद है। लेकिन अगर कोई ये देखेगा कि पुलिस चौकी में खेती हो रही है, अरे तो पुलिस की इज्जत का क्या होगा? अरे गांव गांव में ही अच्छा लगता है। करेक्ट। और कमिश्नर, अरे हम तो सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना बड़ा गधा है। अब हम तुम्हारी सिफारिश करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कि तुमको डिमोट करके कमिश्नर से हवलदार बना दिया जाए। नहीं। इतने फालतू लोग हो ना, बिल्कुल नालायक। इतना जरूरी कागज था, कहाँ गया? छोड़ाला, आप कुछ ढूंढ रही है? एक पीला सरकारी कागज था सर, इतना बड़ा, बहुत जरूरी था, कमिश्नर साहब ने भेजा। पीला कागज, हम जानते हैं। आपने देखा है, कहाँ है सर? जरूरी था? हाँ सर, मैं पता नहीं था इतना जरूरी था। हमने उसमें अपना पान लपेट कर जेब में रख दिया और फिर पान खा के उसे बाजार में फेंक दिया। सर आप इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सके? वो एक सरकारी कागज था, उसमें आपने पान लपेट के फेंक दिया, आप पागल हैं क्या सर? ये चला, आप हमारा अपमान कर रही है। अगर इतना जरूरी था तो उसे संभाल के रख देती कहीं अंदर सेफ। हाँ हाँ हाँ, मारी तो गलती है, मन ने बेरा नहीं है ना सर कि यो एक पान की दुकान है। मन ने लगा ये तो पुलिस स्टेशन है, कोई भी कागज रखोगे मिलेगा अपनी जगह पे। मन ने अगर पता होता पान की दुकान है तो मैं जो है ना बरगद के पेड़ के नीचे खोद के गड्ढे में दाब देती, मैं बैंक के लाकर में रखवाती, मैं मैं तिजोरी में अपनी दादी की तिजोरी में रखवाती सर वो मैं। और आप भी वर्दी पहन के क्यों खड़े हैं? पान की दुकान खोल लीजिए, ठेला लगाइए, गली गली घूमिए आप। बस हो गया, हमें छोड़ाला, बस हो गया। आप हमारा अपमान कर रही है, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आप हमें बेइज्जत करती जा रही है। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। आज के बाद चौकी में आएंगे ना मिश्राला, हम जा रहे हैं और आज के बाद कभी ना आएंगे। हाँ मत आइए, जाइए, जरूरत भी नहीं है आपकी यहाँ पे, जाइए। सच में जा रहे हैं? हाँ प्लीज। अब तो हम पक्का नहीं आएंगे, पहले धमकी दी, अभी इस बार सच में कह रहे हैं नहीं आएंगे कब। मैडम ये कुछ ज्यादा हो गया। नहीं ठीक है, मुझे क्या है, मुझे क्या है, ठीक है। देखो जी, 100 बातें होती हैं, आप तो नहीं, अच्छे से डांटना था। अबे चलो यार यहां से निकलो। वाओ 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 वाओ। पान खा के फेंक दिया, बताओ। भैया वैसे तो आप एक नंबर के झूठे आदमी हैं,
What do you mean is the? यूपी में है चीन is the? भैया चीन यूपी में हो या एमपी में लंदन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऐसा है कि आपकी शक्ल के ऊपर लिखा हुआ है कि हाँ हाँ मैं एक नंबर का काइया झूठा घटिया आदमी हूँ, तो उसमें फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। यार तुम मेरी यहाँ चंपी करने आए हो या मेरी बेइज्जती करने आए हो? हैं क्या भैया, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ? मैं इतने प्यार से आपकी चंपी करता हूँ, आपको अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ, और उस पर आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपकी चंपी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आपकी बेइज्जती करना चाहता हूँ? अरे आपकी बेइज्जती करने के लिए मुझे आपकी चंपी करने की जरूरत है? आपकी बेइज्जती मैं आपकी चंपी किए बिना भी कर सकता हूँ भैया? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्या वेल? अगर भैया आप झूठे आदमी नहीं है ना, तो आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि मुझसे चंपी करवाना आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? Well, अच्छा लगता है तुमसे चंपी करवाना इसदा, लेकिन बुरा लगता है तुमसे बैंड बजवाना इसदा। भैया वो मैं जानबूझ के नहीं करता। ये क्या था? ये भी मैंने जानबूझ के नहीं किया भैया। अच्छा चलो कोई। Well, what is the matter इसदा? क्या किसी ने दे दिया है तुम्हें लव लेटर इसदा? हाँ गुलगुले जी, आप इतना घबराए हुए क्यों आए हो? जैसे आपके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ गया हो या बोराया सांड। सांड नहीं, कांड। कांड? आपने कौन सा कांड कर दिया गुलगुले जी? मैंने कोई कांड नहीं किया, लेकिन लगता है सर ने जरूर कोई कांड कर दिया है बिल्लू। ये आप क्या कह रहे हैं गुलगुले जी? सर पिछले एक हफ्ते से चौकी में आए नहीं है और उन्होंने कांड कर मारा। अरे हाँ वही तो, मेरा एक दोस्त है उसने मुझे बताया कि पिछले हफ्ते जब सर और मैडम का झगड़ा हुआ था, उसी दिन उसने सर को उस पुराने पुल के ऊपर वो सुसाइड पॉइंट है ना उसकी तरफ जाते हुए देखा। Well, सर ने मॉम से लड़कर कहीं कर तो नहीं ली आत्महत्या इसदा? आई लाइक राम कुमार वर्मा की सत्य इसदा। और सर पिछले एक हफ्ते से वापस भी नहीं आए। नहीं, ये नहीं हो सकता, सर हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ये बात मैडम को बतानी होगी, सर की ढूंढवाई करवानी होगी, गोताखोरों को पानी में उतारना होगा। सर आपने ये क्या किया सर? अरे मन्ने के बेरा था कि इतनी सी जरा सी बात पे, जरा से मारे जो है डांटने पे खुदकुशी जैसा काम करने चले आएंगे। सर जो अपने आप को इतना प्रेम करे हैं, वो बताओ बिल्कुल ही हद हो गई। अरे मन ने बेरा होता, जरा सा भी आइडिया होता कि इस तरह से एक आदमी रिएक्ट करेगा, तो मैं क्यों बाबू साहब आ जाओ, यहाँ पे आपका ढंग से इलाज हो जाएगा, चिंता नहीं करना। आ जाओ वो पकड़ के लाओ भाई, गिनना पड़ेगा। कहाँ गए होंगे मैडम? ये ऐसे यहाँ पे ही, ये ऐसे खड़े हैं। मैडम मैडम ये हट हटना यार। सर सर आप ठीक है? सर ओ माय गॉड, आ गए हैं सर इसदा, वो नहीं हुआ जिसका था हमें डर इसदा है। हाँ मैडम, सर तो एकदम सही सलामत है। अरे सर आर यू ओके? आप ठीक हैं? बोलिए सर कुछ बोलते। सर क्या हो गया? सर कौन हो? दोनों कहाँ मिले हो? अरे मैडम मैं बताता हूँ आपको, मैडम मैं मंचला मछुआरा, अब तक हूँ कुंवारा, प्रियंका चोपड़ा बरेली की है। मैडम हम इसके मामा, नाम है पैजामा, गर्लफ्रेंड भाग गई। वो यार जो भी बात है जरा खुल के साफ साफ मैडम के सामने बोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का तंबू गुस्से के बंबू के साथ उखड़ गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी जीनत, मेरा मतलब है क्रोधी करीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ रहे हो तुम? मैडम मैंने आपको बताया ना, मैं मंचला मछुआरा, अब तक हूँ कुंवारा, प्रियंका चोपड़ा बरेली की है। वो क्या है ना, मैं नदी के किनारे अपनी सेटिंग का इंतजार कर रहा था। किसका सेटिंग? मतलब आइटम।
मैं बता रहा हूँ ना, तो इंतजार कर रहा था तभी मैंने इस गबरू जबान को जो लंबा चौड़ा जो खड़ा है डूबते देखा, तो मैंने कहा भैया फालतू में क्यों डूबते हो, इनको बचा लो। सर, आपको मारी बात का इतना बुरा लग गया, आप जान देने चले गए? मैडम ये हमारे घर पे एक हफ्ते रुके, एक हफ्ते तक इन्होंने मच्छी तोड़ी, बाद में हमने देखा कि ये तब भी सहमे हुए थे और अब भी सहमे हुए हैं। प्रियंका चोपड़ा बरेली की है। मैडम वो तो भला हो हमारे उस मछुआरे का जिसने साहब को देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो ईमान चौकी के इंस्पेक्टर साहब है, गर्लफ्रेंड भाग गई और बस हम इनको यहाँ लेते आए। मैडम अब आप इन्हें संभालिए, चलो भांजे हम चलते हैं। शुक्रिया। वैसे मैडम सर की मूछों की ग्रोथ काफी अच्छी है, देखिए एक हफ्ते में कितनी घनी और बुशी मूछें आ गई हैं सर की। सर आप बिल्कुल घबराइए मत, मैडम आपको नहीं डांटेंगे। आइए सर आप नहा लीजिए, मच्छी की स्मेल आ रही है। सदमा लगा है मैडम सर को? मेरे ख्याल से सदमा लगा है। सदमा लगा है ना, सुन लिया, डॉक्टर ने बुलवाओ ना, फिर जब सदमा लगा है तो फिर ओके। अरे डॉक्टर साहब डेढ़ दो घंटा हो गया है जब से बैठे हैं आप, जो है चेकिंग ही तुम्हारी खत्म ना हो रही, कुछ मुंह से भी तो फूट लो। देखिए मैडम मैं हूँ डॉक्टर बल्लू बल्ली, करता हूँ पूरी तसल्ली, बीबी मैरिड है। ये क्या बात हुई, बीबी तो मैरिड ही होगी ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने भी तो यही कहा कि बीबी मैरिड है। भैया इतनी देर से चेक कर रहे हो, कुछ पता लगा अपना डायग्नोसिस? मैडम मामला ये है कि किसी सदमे की वजह से ये बिल्कुल सुम हो गए, मेरा मतलब कहीं खो गए, और तब से बिल्कुल चुपचाप ऐसे यहीं पर बैठे हुए। तो मैडम क्या कोई ऐसा वैसा डराती हैं? अरे भाई मैडम ऐसा डराती हैं ना कि अच्छे अच्छे सूरमा भी सदमे में आ जाए। फिर ये तो नाजुक तबीयत कोमल हृदय इंसान है। तो मैंने क्या कहा, मैंने भी तो यही कहा ना कि सदमे में है। Well, जल्दी बताइए इसका क्या है इलाज, इसका शुरू कर देंगे फ्रॉम आज। इसका मूंगफली की शादी तूने कहीं और तय करके अच्छा नहीं किया, भूला। जबकि तू जानता था कि मैं सिंघाड़ा मूंगफली से और मूंगफली मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आज तेरे सर का एक एक बाल उखाड़ दूंगा मैं, और अगर कोई बीच में आया तो वो अपनी जान से जाएगा। अब बेटा सिंघाड़ा, अब बेटा मूंगफली बाहर तेरा वेट कर रही है, तू यहाँ क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट। मौसा आप बता रहे हो मूंगफली, मूंगफली यहाँ एक नहीं कई मरीज हैं। इस आदमी ने लगभग मेरी जान निकाल दी थी जबकि बीबी मैरिड है। अबे जिस मरीज को ऑफिशियली थारे हवाले किया है उसका कर ले पहले निपटाले काम, बता ले के प्रॉब्लम आ रही उसमें, बाद में और कंट्रैक्ट करके दे देंगे, कई मरीज हैं यहाँ, एक थारे पीछे खड़ा है। मैं बोल लूं? बोलिए। मैडम इस केस में मामला ये है कि इनके सामने अगर हर वो चीज की जाए जो इनको पसंद थी तो शायद उसका इन पे कोई असर हो, और अगर फिर भी असर ना हो तो इन्हें मेरे नर्सिंग होम में ले आइए, रेट रीजनेबल है जबकि बीबी मैरिड है। Well, सर को जो पसंद था वही करेंगे हम, काम इज़दा हसीनाएं गोपियां, मैं उनका शाम इज़दा। भैया अपना गुलगुले बताओ, सर को पसंद क्या के? सर को छिछोरे गानों पर छिछोरा डांस। अबे तो बागता यू बेटिंग भार क्रिसमस। आपको याद है ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा था कि इनको जो जो पसंद है अगर वो हम इनके सामने करें तो हो सकता है इनकी याददाश्त वापस आ जाए। मैं
मैं सारे छिछोरे गानों की सीडी बनवा के ले आया हूँ। ये तूने सही किया बिल्लू, अब इन छिछोरे गानों पर हम दोनों ऐसा छिछोरा डांस करेंगे कि सर इस सदमे से बाहर आ ही जाएंगे। वैसे आपको वो भी याद होगा जो मैडम ने कहा है कि अगर हमारे नुस्खे सर के ऊपर काम ना किए तो फिर हम सीधा इन्हें नर्सिंग होम ले जाएं। लेकिन ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी यार बिल्लू, मेरा छिछोरा डांस देखकर बड़े बड़े सही हो गए। तू देख सर हमारे साथ डांस करेंगे, तू बस गाना शुरू तो कर। कोई असर नहीं हो रहा है यार, लगता है नर्सिंग होम ही ले जाना पड़ेगा। कौन मैं? नहीं मैं। आओ। अबे ओ नाभा डिस्ट्रिक्ट, अबे अंदर आ जा वरना डोर मैट समझ के कोई पहुंच जाएगा मुंह पे जूता अपना। फिर करता रहियो बेल। मैडम आप बिना एक नंबर की। अरे के चल रहा है यार, ना बीबी ने कुछ नाश्ता वगैरह नहीं कराया, कुछ इंग्लिश ब्रेकफास्ट और स्टफ पराठा वगैरह कुछ नहीं, आजकल प्रेम प्रसंग कुछ नहीं उमड़ रहा जो बिल्कुल यहाँ रेपटे खा के पेट भरेगा। तो और मैं क्या कहूँ मैडम, मैडम क्या जरूरत थी सर को इतनी बुरी तरह लताड़ने की कि वो सदमत आ गए बेचारे। हाँ मैडम, अगर आपने थोड़ा सा उन्हें हल्के से डांटा होता ना तो समस्या इतनी भारी नहीं होती। Well, ना जाने सर कब होंगे ठीक इस दा, रात को आई मुझे 306 इस दा है। ये बीमारी है। तो मन्ने के बेरा था कि इतने ओवर सेंसिटिव होके घूम रहे हैं दुनिया में, और बिल्कुल ही जरा सा कुछ कह दो, जरा सा एकदम एक कुछ ताना सा दे दो तो कूद ही मार लेंगे पानी में बिल्कुल ही। आइए आइए। हाँ बस 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 बस, यहीं खड़े रहो, गार्डन है ये, हैं? जो कहना है यहाँ खड़े होकर करो, वहां भीड़ नहीं करनी ज्यादा, बोलो आप। एक्सक्यूज मी, छत टपक रही है, टप। ओ तो तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम यहाँ पे मुन्नी मिस्त्री हैं जो आके तुम्हारी छत ठीक करेंगी? क्या है, क्या हो गया? Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the what is the name is the जयपुर में ट्रैफिक जैम is the है। दादाजी मेरा नाम है चाचा। आपका नाम चाचा है? No, no. उनका नाम फिर चाची होगा। Yes! अरे वाह बेटा, बड़े समझदार हो हैं। हाँ हमारा नाम चाची है, उसने हाई फाई है, किस्मत वाई फाई है। Yeah! कौन सा प्लान है, 3G? Well, who the she is the? मैं हैंडसम हूँ, लंच करूंगा सोनाक्षी के साथ। देखो भाई ऐसा है कि तुम हैंडसम नहीं हो, कतई नहीं हो, दूर दूर तक नहीं हो, किसी एंगल से ना हो। फसका। अरे मैडम आप इसको छोड़िए मैडम, देखिए मैडम मेरा बबलू मैडम पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा मैडम बबलू। बंटी के साथ होगा, बंटी और बबलू। बंटी और बबली था, प्लीज कुछ भी नहीं ऐसा चलेगा यहाँ। सेम, यहाँ मेरा बबलू, मेरा भतीजा, प्यारा भतीजा बबलू पिछले एक हफ्ते से मिल नहीं रहा है, और आप है कि आपको मजाक सूझ रही है, छत टपक रही है, टप। अरे हाँ मैडम, हमारा बबलू, जान से प्यारा बबलू, दुलारा बबलू, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है मैडम, और अब तक तो वापिस ही ना आया है। कितने साल का हो रहा तुम्हारा लौंडा भतीजा? मैडम हमारे बबलू भैया की उम्र लगभग 30 साल है। लंच करूंगा सोनाक्षी के साथ। 30 years, कोई फोटो वोटो है तुम्हारे बबलू भैया की? है ना फोटो, ये फोटो मेरा बबलू, ये देखिए, ये
अबे ओ एजेंट विनोद इधर भेज दे। देखिए मैडम कितना भोला कितना शरीफ कितना सीधा है मेरा बबलू मैडम। आप लोग निकलो हम करेंगे कार्रवाई ढूंढेंगे इन्वेस्टिगेशन होगा छानबीन करेंगे टार्च लेके ढूंढेंगे ओके और जैसी खबर मिलेगी हमें तुम्हें हम इत्तला करेंगे। हाँ मैडम जल्दी पता लगाइएगा पब्लू के बिना मन नहीं लग रहा छत टपक रही है टप। ए, चलो चाची चलो ए, चले हैंड्स अप चलो मां शीशा खराब कर दिया। अरे सर की फोटो सर मैडम सर की तो मूछे हैं नहीं और इस फोटो में जो है उसकी मूछे हैं और अभी जो हमारे पास बजरंग पांडे उसकी भी मूछे हैं। यस ऐसा तो नहीं जिसे हम सर समझ रहे हैं वो सच में सर नहीं है बल्कि बबलू है। अगर हमारे पास बबलू है तो सर कहाँ है। चौटाला हम आ गए। एक हफ्ता लगा हमें सारे बाजार की सफाई करने के लिए उसके बाद आपका ये जरूरी कागज मिल गया हमें। और हमने आपको माफ भी कर दिया। चलिए गोपी किशन सर मैं क्या कह रही हूँ देख लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम आपकी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी हो रहा है ये लौंडा है बस मूंछों का फर्क है आपकी है नहीं इसके है। सर आप अपनी मम्मी के साथ कभी कुंभ के मेले में गए थे क्या सर। यो मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है मैडम दो जुड़वा भाई तो कुंभ के मेले में ही बिछड़ते हैं ना। दिस इज नॉट फिल्म। अबे बकवास बंद करो बे देंगे उल्टे हाथ का। हम अपने मम्मी पापा के इकलौते संतान हैं वो इत्तेफाकी बात है कि इसकी शक्ल हमसे मिलती है। बताओ मैडम एक खुशखबरी है अब ये सदमे से बिल्कुल बाहर आ चुका है और बातचीत भी कर सकता है जबकि बीबी मैरिड है। ये बोलता है बबलू घनी खुशी की बात है कि तू ठीक हो गया है। थारे घर वाले पता कितना परेशान हो रहे थारे चाचा चाची भाई सब आए थे ठाणे में रपट लिखाने थारे गुमशुदा होने की। नहीं 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 हम नहीं जाएंगे उनके पास हम नहीं जाएंगे चाचा चाची के पास हमें बचा लो। वेल लगता है ये बहुत डरा इसदा चाचा चाची ने इसके साथ क्या करा इसदा है। देख बबलू अगर थारे संग कुछ भी गलत हो रहा है या तू अगर परेशान है तो हमें बता हम तारी मदद करेंगे। वी आर पुलिस। हाँ बबलू मतलब हम तुम्हारे भाई है नहीं लेकिन तुम हमें अपना भाई समझ सकते हो खुल के बताओ बात क्या है और हम वचन देते हैं कि कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता हम अपनी जान दे देंगे लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे बचा दो बेटा। चाचा चाची मारेंगे हमें बहुत मारते है वो हमें नौकरों की तरह काम कराते वो घर हमारा है हमारे पापा का घर है लेकिन वो मालिक है और हम नौकर है हमें बहुत मारते है वो। ओ, तो यो बात से अब भी सही करके आती हूँ मैं इसके चाचा चाची ने। नहीं मैं छोड़ा ला इसकी शक्ल हमसे मिलती है और भगवान ने लगता है इसलिए हमें इससे मिला दिया है ताकि हमें इसका बदला लेने का मौका मिले। बबलू हम जाएंगे तेरे घर बबलू बन के। मम्मी क्या है। अरे सर दबाओ ना सर में दर्द हो रहा है। हाँ तुम और
कुछ मत करना, बस इधर से उधर, उधर से इधर। मटरू की बिजली का मंडोला बने घूमते रहना। अरे तुम चुप करो हैंडसम की माँ, छटपक रही है टप। एक यहाँ मैं पहले से ही परेशान हूँ कि ये बबलू का बच्चा गया तो गया कहाँ, और एक तुम हो कि जले पे नमक छिड़के जा रही हो। डैडी अगर बबलू नहीं आया तो क्या होगा? अरे होगा क्या, जिंदगी धूम से गुजारिश हो जाएगी, मतकिस्मती की बारिश हो जाएगी। इसका मतलब डैडी आप भिखारी बन जाएंगे। तो चुप कर कलमू है, समझ नहीं आ रहा यहाँ मैं करूँ क्या। अरे वसीयत के हिसाब से 28 साल पूरे होने के पहले अगर बबलू को कुछ हो जाता है या वो खो जाता है तो सारी जायदाद जो है वो ट्रस्ट में चली जाएगी। छट टपक रही है टप। डैडी वो ही जायदाद ना जिस पर आप सांप बनकर बैठे हैं और मम्मी नागिन। अरे चुप कर सपोले। अरे अगर वो नाग और हम नागिन बने हुए हैं तो इसलिए ताकि तू राउडी राठौड़ बन सके, समझा? एक बार कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बबलू घर वापस आ जाए। छत टपक रही है टप। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है, जाके दरवाजा खोल। बबलू तू ये मुल्का को जानता है? अरे हाँ, अरे ये हमारा भतीजा है बबलू, उसने हाईफाई है, किस्मत वाईफाई है। बबलू मतलब ये छोकरा हमको सच बोला, ये इधर में ही रहता है। लो पापा लोग अपना सामान संभालो। मैं आप लोगों से बता नहीं सकता हूँ कि आप लोगों ने बबलू को यहाँ ला के मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। छत टपक रही है टप। लेकिन तुम इस लाइफ ऑफ पाई को इतने दिनों बाद क्यों लेकर आए हो? अरे इतना दिन से ये बेहोश होता था ना। ये लो 1000 रुपए और निकल लो। अरे चल पापड़ चल। हेलो बबलू आजा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, कैसे हुई तेरी हिम्मत, यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे हो गई तेरी? छत टपक रही है टप। तूने ये भी नहीं सोचा है कि तू भाग कर वापिस आएगा तो फिर हम तेरी क्या हालत करेंगे? उसने हाईफाई है, किस्मत वाईफाई है। अरे डैडी मैं तो कहता हूँ कि इसकी टांगे तोड़ दो ताकि ये भागने की कोशिश ही ना करे। लंच करूंगा सोनाक्षी के साथ। अबे ना चाचा जी, चाची जी हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। और गलती हो गई, एक आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए चाचा जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये तेरी पहली और आखिरी गलती समझकर तुझे माफ कर रहा हूँ इस बार, लेकिन अगली बार ऐसा किया तो याद रखना टांगे तोड़ दूंगा। ये 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 चल हट, चल जा, मुंह क्या देख रहा, जाके काम कर चल। हाँ और बहुत सारे बर्तन भी है धोने हैं वो, चल निकल चल चल। किचन कहाँ है? अरे किचन भूल गया इतने दिन में, सामने है किचन, चल जा। शुक्र है भगवान का बबलू वापस आ गया। छत टपक रही है टप। बबलू 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 कहाँ मर गया बबलू? हैंडसम भैया आपने हमें आवाज दी। हाँ मैंने आवाज दी, लंच करूंगा सोनाक्षी के साथ। बताइए क्या काम है, क्या कर सकता हूँ मैं? देख मुझे एक लड़की से मिलने जाना है, फटाफट मेरे जूते साफ कर दे। कहाँ है जूते भैया? कहाँ है क्या मतलब? अबे जो जूते मैंने पहने हुए ना इन्हें साफ कर, जल्दी से साफ कर वरना मार मार के ना तेरा जूता बना दूंगा। लंच करूंगा सोनाक्षी के साथ। नहीं भैया ऐसे ना करिएगा, हम आपके जूते ऐसे चमका देंगे कि आप जूते पहनने लायक नहीं रहेंगे। क्या कह रहे है? कुछ नहीं कुछ नहीं, अच्छे से चमका देना।
लेट जाओ भैया। बहुत कूटा है जालिम ने, लिटा लिटा के कूटा है। चाचा, क्या हुआ चाचा, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाएगा तो अब तू, जब इस हंटर से तेरी सुताई करूंगा मैं। छत टपक रही है टप। चाची जरा चाचा को समझाओ ना, कैसी बातें कर रहे हैं, जरा समझाओ ना इन्हें, ऐसी बातें ना करे। बड़ा आया जवान लड़ाते हमसे हैं। सुनो जी, जल्दी जल्दी सुताई करो इसकी, फिर मुझे भी काम कराने, कपड़े झाड़ू पोछा बर्तन जाले ये सब निकलवाने हैं मुझे इससे। हाँ, उसने हाईफाई है, जिंदगी वाईफाई है। तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई तेरे मेरे हंटर को पकड़ने की? छत टपक रही है टप। चाचा, अब तक तूने हमारी हिम्मत देखी कहाँ है? हिम्मत जाननी है चाचा, तो जरा हैंडसम से पूछिए ना हमारी हिम्मत के बारे में। काफी है, काफी है। चाचा लगी तो नहीं चाचा, उठ जाइए उठ जाइए, संभाल के चाचा संभाल के। अरे बेटा बस कर, और मत मार। अरे बेटा, अरे मैं तेरा चाचा हूँ, छत टपक रही है टप। अच्छा, जब हंटर पड़ी तो याद आ गया कि तुम मेरे चाचा हो हैं? और इतने साल से जब आप लोग ने मुझ पर इतना जुल्म किया, तब आपको याद नहीं आया कि मैं आपका भतीजा हूँ? हाँ चाचा। बबलू भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, लंच करूंगा सोनाक्षी के साथ। अबे चल चल, अपना मुंह बंद रख, एक रख के दूंगा ना। चाची वो कपड़े कौन धोएगा? मैं धो दूंगी बेटा। अच्छा वो बर्तन कौन मांजेगा? मैं मांज दूंगी बेटा। अब वो जाली झाड़ू पोछा कौन करेगा? बेटा तेरे चाचा और तेरा भाई है ना, वो मिलके कर देंगे। हैं बेटा, उसने हाईफाई है, किस्मत वाईफाई है। ठीक है ठीक है। और सुन लो बे, अगर काम ठीक से नहीं किया ना तो माफ कीजिएगा, मैं एक एक की हड्डी तोड़ के रख दूंगा सच में। नहीं नहीं बेटा, ठीक से करेंगे, छत टपक रही है टप। ठीक हो ना? मैं ठीक ही हूँ। मैं जाऊँ, लेट जाऊँ? लेट जाओ बेटा, आराम करो, बाद में दूध भिजवाता हूँ। जी जी। कमर टूट गई। ओह गॉड, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा हैंडसम आदमी ऐसे झाड़ू लगा रहा होगा। लंच करूंगा सोनाक्षी के साथ। ये क्या, ये तो बबलू की मूछ है। इसका मतलब बबलू मूछे निकाल के नहाता है। अब तो डैडी को बताना पड़ेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब। और बबलू सब ठीक? मैं ठीक हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे? गोपी किशन, आप हमारे चाचा चाची से मिलकर आ रहे हैं ना?
आप तो ठीक है ना बबलू? हम तो ठीक है, और हमने तुम्हारे चाचा चाची को भी ठीक कर दिया है, फिक्र ना करो। ओ, तो ये बात है, यानी डबल रोल। मैं भी सोच रहा था कि ये बिल्ली अचानक शेर कैसे हो गई, छट टपक रही है टप। देखा डैडी, मैंने सही कहा था ना आपसे, अच्छा हुआ हमने इसका पीछा किया और सच्चाई का पता चल गया। लंच करूंगा सोनाक्षी के साथ। वैसे हमारे चाचा चाची है ना, बहुत खतरनाक है, जरा उनसे बच के रहिएगा। ओके, और हम उनसे ज्यादा खतरनाक है, हम चलते हैं बबलू, और जाते जाते इनसे मिलकर जाते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। तो भाई साहब, गाने का बड़ा शौक है आपको? अरे ये तो दबंग पुलिस वाला है, और इसको तो अब हमारे बारे में पता भी चल गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? उसने हाईफाई है, किस्मत वाईफाई है। अरे हैंडसम की माँ, तुमने सुना नहीं है क्या? किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। डैडी आप गधे हो। सुनो, आज बबलू पूरे 28 साल का हो गया है, और आज के बाद अगर बबलू को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी जायदाद हमारी होगी। इसलिए आज रात हम बबलू का काम तमाम कर देंगे। अरे कैसे काम तमाम कर देंगे हैं? अगर कहीं पकड़े गए तो क्या होगा, सोचा है तुमने इसके बारे में है? मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं हैंडसम की माँ। इस इंस्पेक्टर ने मुझसे झाड़ू पोछा लगवाया था ना, अब देखना कैसे मैं इससे जेल की चक्की पिसवाता हूँ। छत टपक रही है टप। लेकिन डैडी कैसे? ऐसे कि आज रात हम इस बबलू को ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे तो मैं रहता हूँ। क्या कर, बीच में मत बोला कुछ। मेरा कहने का मतलब है कि आज रात हम बबलू को मार देंगे, और फिर पुलिस में जाके FIR लिखवा देंगे कि बबलू का कोई हमशक्ल हमारे घर में घुसाया है, बबलू की जान को खतरा है। और उसके बाद ये इंस्पेक्टर, इस पर बबलू के कत्ल का इल्ज़ाम आ जाएगा, ये बोल के कि बबलू के हम शक्ल होकर उसकी जायदाद के लालच में इसने बबलू का काम तमाम कर दिया, उसे रास्ते से हटा दिया, और हमें कुछ नहीं होगा, हम बच निकलेंगे। छत टपक रही है टप। आए हाय मेरे बॉडीगार्ड, ये हुई ना बात है? इसे कहते चित भी अपनी और पट भी अपनी है। अब देखता हूँ इस बबलू को मुझसे कौन बचाता है। छत टपक रही है टप। मेरे बॉडीगार्ड, बंदूक में सिलेंसर तो लगाया है ना, है उसमें हाईफाई है, किस्मत वाईफाई है। अरे मम्मी, मैंने खुद साइलेंसर लगाया है। लंच करूंगा सोनाक्षी के साथ। अरे वाह, चलो अब गोली चला है। अब होगा इसका खेल खत्म। खेल खत्म करने की इतनी जल्दी के है चाचा जी? खेल तो अभी शुरू हुआ है। कलजुगी चाचा चाची मारने आए थे ना बबलू को, पर याद रखो जाकर आके साइयां मार सके ना कोई। वो देखो नजर घुमा के, और ये तुम लोग की बदकिस्मती थी कि बबलू की शक्ल हमसे मिलती है, और बबलू की किस्मत कि वो हमें मिल गया। क्यों बबलू? हाँ, और सर ने जानबूझ के अपनी मूंछ निकाल के प्लान के तहत इस हैंडसम को दिखाई ताकि तुम लोग यहां पर आओ और बबलू को मारने की कोशिश करो, और हम सब तुम सबको रंगे हाथों पकड़ लें। Well, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इस दा, अब तुम जाओगे जेल इस दा। अरे तो बांटा जी बैटिंग भार, धर लो सबने और डालो जीप में। दीदी शुक्रिया, भैया शुक्रिया, आप लोग ने हमारी जान बचा दी, वरना हमारे परिवार वाले हमें मार देते और हमारी सारी संपत्ति हड़प लेते। अरे ऐसे कैसे हड़प लेते बबलू? हाँ मतलब हमारे बीच में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन शक्ल का रिश्ता तो है। आगे जाकर कभी भी तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी ना, हमारे पास आ जाना, हम उन
सबको सीधा कर लेंगे बिल्कुल। क्यों मिश्रा डाला? हाँ सर बिल्कुल सही बात कही आपने, पर एक बात सर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आगे से आपको कभी पान खाना हो तो सरकारी कागज में उसे लपेट के ना फेंके, प्लीज डू अस अ फेवर। सॉरी मैं चौड़ाला, सॉरी। इट्स ओके सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।